हेलो अभियुन, कैसे हैं आप सब भाई? आज अपने साथ खड़ी हुई है मारुति की इग्निस। वो बहुत छोटी सी कार है, लेकिन इसमें सबसे बढ़िया चीज़ ये है, एक तो ये इसका सेकंड टॉप जेटा वेरिएंट है, और उससे भी बढ़िया चीज़ है ये भाई, ऑटोमेटिक में आज अपने साथ खड़ा हुआ है। मतलब 1.2 लीटर के ऑटोमेटिक, 1.2 लीटर का फोर सिलेंडर इंजन आता है, उसमें ऑटोमेटिक वेरियंट आज अपने साथ खड़ा हुआ है नेक्सा ब्लू कलर में। मतलब मैंने कहा यार, इतनी छोटी कार वो भी ऑटोमेटिक में, मतलब बहुत सही हो सकती है। अगर कोई अपने सिटी ड्राइविंग के लिए कुछ खोज रहा है ना, कि एक छोटी सी कार मिल जाए जिसे मैं आसानी से कहीं भी निकाल सकूं, ले जा सकूं, तो 8 लाख में, 8.5 लाख में अगर आपको कोई कार इस रेंज में मिल जा रही है, आप ढूंढ रहे, तो क्यों ना कोई इसे भी एक ऑप्शन के तौर पर देखा जाए। तो आज हम इसके फीचर्स की बात करेंगे, हमें इसमें क्या क्या फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं, और इसका एक्स शोरूम और ऑन रोड हमें प्राइस क्या देखने के लिए मिल जाता है। भाई अगर कार की सबसे पहले से छोटी कार है ना, तो विड्थ कितनी है, चौड़ाई कितनी है आखिर, तो इसकी जो चौड़ाई देखने के लिए मिलती है 1700 mm में 10 mm कम, 1690 mm, 1690 mm की हमें इसकी विड्थ देखने के लिए मिल जाती है। लाइट्स में बात करूं, क्या क्या कंपनियां हमें ऑफर कर दे रही है, तो भाई रिफ्लेक्टर बेस्ड हेडलाइट देखने के लिए मिल रही है, फॉग लैंप मिल जा रहा है, हैलोजन में इंडिकेटर मिल जा रहे हैं। बाकी आप देखेंगे तो यहां पे स्किड प्लेट आप ग्रे कलर में अलग से यहां पर देख सकते हैं, बाकी ग्रिल पे आपको ब्लैक एंड क्रोम का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छे से देखने के लिए मिल जाता है। बाकी तो कार मतलब एक छोटी सी, मतलब मेरी हाइट देख लो भाई, यहाँ तक हाथ आराम से चला जा रहा है, एक छोटी सी प्यारी सी जो कार कहते हैं ना, बिल्कुल वहाँ पे ये खरी उतर आती है। भाई अगर बात करूँ गाड़ी की लंबाई की, तो लंबाई 4 मीटर तो होनी नहीं है, बहुत कम है 4 मीटर से, 3700 mm, 3700 mm की इसकी लेंथ देखने के लिए मिल जाती है। वहीं अगर व्हील बेस की बात करूँ, तो जो अंदर हमें स्पेस बनाता है 2435 mm का यहाँ पर व्हील बेस हमें देखने के लिए मिल जाता है। बाकी तो व्हील बेस अंदर स्पेस बना कितना रहा है, वो तो अभी अपने लोग अंदर बैठेंगे, स्पेस चेक करेंगे, सब पता चल जाएगा आखिर हमें स्पेस देखने के लिए मिल कितना रहा है। कार में फिलहाल आप यहाँ पर देखेंगे तो ORVM पर इंटीग्रेटर आपको देखने के लिए मिल जा रहे हैं। टायर्स की तरफ अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर टायर्स की तरफ ध्यान दें तो भाई आगे डिस्क ब्रेक कंपनी ऑफर कर दे रही है, अलॉय व्हील देखने के लिए मिल जा रहे हैं, डीकट नहीं मिल रहा है, पूरे ब्लैक अलॉयज हैं। बाकी टायर की बात करूँ तो 175/60/15 टायर यहाँ आपको दे दिया जा रहा है। रियर साइड में देखें तो भाई डिस्क नहीं है, ड्रम ही मिलेगा, छोटी सेगमेंट की कार है तो यहाँ पर आपको ड्रम ब्रेक दे दी जा रहा है। सबसे बढ़िया बात, रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जा रहा है। बाकी रूफ रेल भी कंपनी यहाँ पर आपको ऑफर कर दे रही है। भाई अगर कार के रियर साइड में आते हैं, और अगर रियर साइड में ध्यान दें, रेगुलर एंटीना कंपनी ऑफर कर दे रही है, स्पॉइलर दे दे रही है भाई, हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जा रही है यहाँ, रियर डिफॉगर, वॉशर यूनिट, इग्निस की बैजिंग, और पीछे देखें तो कैमरा भाई नहीं, सेकंड टॉप होने के बावजूद भी कैमरा यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिल रहा। 2.4 पॉइंट रिवर्स पार्किंग सेंसर जो कि हमेशा मारुति की गाड़ी में मिलते हैं, स्किड प्लेट ग्रे कलर में, और अगर बूट की बात करूँ तो भाई अनलॉक रिक्वेस्ट सेंसर से करेंगे यहीं से, ये भाई तो बूट काफ़ी सही मिल जा रहा है। मतलब छोटी कार में अगर आप CNG नहीं ले रहे हो ना, तो बूट आपको अच्छा खासा देखने के लिए मिल जाता है। भाई अगर बात करूँ बूट स्पेस की नंबर में, तो 260 का बूट स्पेस, और आप एक चीज़ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको कंपनी बूट लैंप भी ऑफर कर दे रही है। नीचे बात करूं भाई इसमें, तो आपको स्टेपनी कहाँ मिल रही है, तो इसके नीचे ही मिलेगी भाई, यहाँ पर मैट बिछी हुई है, और इसके नीचे आप देखेंगे तो स्टेपनी भी आपको यहीं पर देखने के लिए मिल जाती है। चलिए इसे बंद करते हैं। बाकी इस पे अगर फ्यूल टैंक की बात करूँ, तो हमें पेट्रोल में केवल ये कार देखने के लिए मिल रही है, CNG के ऑप्शंस भी आते हैं। फिलहाल इसकी जो पेट्रोल में कैपेसिटी है वो आपको 32 लीटर की यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। तो ओवरऑल कुछ इस तरह से था 360 व्यू कार का। अब कार के अंदर चलते हैं, अंदर चलने से पहले हमेशा की तरह कार की तो भाई बिल्कुल भाई बेसिक सी, चाहे आप XL6 ले लो, चाहे अर्टिगा ले लो, चाहे ग्रैंड विटारा ले लो, की यही मिलने वाली है। अरेना में जाओगे तो ब्लू हो जाएगा, नेक्सा में आओगे तो ब्लैक हो जाएगा। कार के अंदर चलते हैं, अंदर से देखें क्या क्या फीचर्स हमें यहाँ कार में देखने के लिए मिल रहे हैं। भाई ड्राइवर साइड गेट को अगर मैं ओपन करता हूँ, तो भाई रिक्वेस्ट सेंसर है, आराम से इसको ओपन करते हैं, इस तरह से देखने के लिए मिल जाता है ब्लैक एंड वेज के कॉम्बिनेशन में। बाकी ये हैंडल्स भाई बहुत बढ़िया, मतलब यूनिक से लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। ऑल फोर पावर विंडो, ड्राइवर साइड ऑटो डाउन है, ऑटो नहीं है भाई, नहीं ऑटो, सेंटर लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, ORVM इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, फोल्डेबल, क्रोम में डोर हैंडल होगा, 4 स्पीकर होगा, और आगे ट्विटर, 2 ट्विटर देखने के लिए मिल जा रहे हैं। अगर ड्राइवर साइड सीट की बात करूं, केवल रिक्लाइन एंगल है, हाइट एडजस्टमेंट नहीं है ड्राइवर साइड सीट में, पेट्रोल यहां से ओपन हो जाएगा। सीट की अगर बात करूं अंडर थाई सपोर्ट की, तो ठीक है, बाकी हेडरेस्ट एडजस्टेबल देखने के लिए मिल जा रहे हैं। कार में अंदर बैठते हैं तो भाई ठीक है, वैसे हाइट एडजस्टमेंट की नीड भी नहीं है, मतलब आप मेरे यहाँ पे आके तो मेरे आई लेवल से देखिए कितना सही लग रहा है। बाकी गाड़ी का केबिन काफ़ी बढ़िया है, तो एक छोटी कार के हिसाब से बहुत सही कार लग रही है। बाकी पुश बटन कहाँ है भाई, पुश बटन स्टार्ट आपको इसमें देखने के लिए मिल जाता है, कहाँ गया, यहाँ, ये रहा, ये दैट्स इट
भाई कितना प्यारा सा छोटा सा ये हो गया अपने टैकोमीटर, आरपीएम, स्पीडोमीटर, ये सारी रेंज आ रही है, सब चेंज कहाँ से होगा? तो इन्फॉर्मेशन का ओहो भाई, ये बंद हो जाओ बंद हो जाओ। हाँ जी भाई, कॉपीराइट आ जाएगा इसलिए फटाफट बंद करना पड़ता है। अगर इधर देखें तो भाई ये रही इन्फॉर्मेशन, यहाँ से चेंज होगी एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, रेंज, स्पीड, ड्राइविंग टाइम, सब कुछ आ जा रहा है। ट्रिप यहाँ से चेंज हो जाएगी ए बी। और ये क्या है भाई? तो ये रहा अपनी ब्राइटनेस, ब्राइटनेस कम करना है। ओके बहुत सही, तो यूनिक सा है, काफ़ी बढ़िया सा लग रहा है इधर देखने में। बाकी एसी वेंट्स देखो तो इस तरह के देखने के लिए मिल जा रहे हैं, बीच में इस तरह के क्रोम के साथ काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं। अगर स्टेयरिंग की बात करूँ बिल्कुल सर्कुलर देखने के लिए मिल रहा है, राउंड। ये हो गए अपने क्या हो गए भाई, वॉइस कॉलिंग के, इन्फोटेनमेंट के कंट्रोल्स हो गए, दैट सेट। राइट साइड में हेडलाइट के कंट्रोल्स और लेफ्ट साइड में वाइपर के कंट्रोल्स हो गए। सेंटर में आता हूँ तो भाई वही अपना अपनी अर्टिगा वाला म्यूजिक सिस्टम है, वायर के साथ आप एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले चला सकते हो और काफ़ी स्मूथ चलता है ये, मतलब बहुत बढ़िया है। मैं तो यूज़ कर रहा हूँ ना अर्टिगा, बहुत बिंदास चलता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है। नीचे देखते हैं तो भाई मैनुअल एसी देखने के लिए मिल जाता है इस तरह से। ये टेम्परेचर कंट्रोल कर लो, 12 वोल्ट 120 वाट का सॉकेट हो गया ये एक अपना। इधर ध्यान देंगे तो यूएसबी और ऑक्स हो गई यहाँ पे। यहाँ क्या है, फ़ोन वोन रखने का स्पेस, दो कप होल्डर हो गए। बाकी भाई ये अपना जो जान है इसकी गाड़ी की, देखिए ये इस समय कहाँ है, बिल्कुल न्यूट्रल, इसमें पार्किंग नहीं आता भाई। आप स्विफ्ट विफ्ट लेते हो उनमें भी, तो इसमें ये क्या हो गया, ये आ गई ड्राइविंग मोड पे। यहाँ जाओगे तो ये मैनुअली आप इसके गियर शिफ्ट कर सकते हो, ये हो गया न्यूट्रल। और ये क्या हो गया, रिवर्स हो गया। जैसे कैमरा है नहीं है, ये मैंने रिवर्स डाला लेकिन यहाँ रिवर्स गियर डल भी गया, सेंसर करने लगे लेकिन कैमरा नहीं है। आप आफ्टर मार्केट लगवा सकते हो 3-4 हज़ार रुपये में, बहुत आराम से कैमरा लग जाता है। हैंड ब्रेक मैनुअली दे दिया जाता है आपको। बाकी एक चीज़ बढ़िया लगेगी आपको, डोर्स में तो आपको बॉटल होल्डर देखने के लिए मिल ही जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको यहाँ पर कार में एक बॉटल होल्डर यहाँ पर भी कंपनी ऑफर कर दे रही है। अगर इधर बात करता हूँ, डैशबोर्ड काफ़ी बढ़िया है, फ्लैट सा। इधर देखें तो ग्लव बॉक्स बहुत बढ़िया, मतलब स्पेशियस देख रहे हो, ये स्पेस भी बहुत है। पेपर वेपर रख दो, इसमें सामान रखते रहो आप अपना। अगर इधर बात करें तो मैनुअल एडजस्टेबल डे नाइट आईआर वीएम देखने के लिए मिल जा रहा है, काफ़ी सही लग रहा है। इधर वैनिटी मिरर और इधर देखें तो टिकट होल्डर। बाकी ये अपनी लाइट हो गई हैलोजन में, 10 रुपये का 20 रुपये का एलईडी का बल्ब भी डल जाता है इसमें। ठीक है, डन रिपोर्ट है ना। अब पीछे चलते हैं, पीछे का स्पेस तो देखें, क्योंकि इस कार में मेनली है स्पेस। आखिर स्पेस हमें कितना देखने के लिए मिल रहा है भाई? पहले ना आगे बैठ के अपनी ये वाली सीट को मैं अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रहा हूँ, फिर पीछे बैठते हैं। अभी यहाँ पर मेरे पास स्पेस है तो इसको मैं इतना कर सकता हूँ। हाँ अब ठीक है, इंक्लाइन एंगल ये ठीक हो गया, बिल्कुल परफेक्ट पोस्चर है। थोड़ा सा मैं पीछे कर सकता हूँ इतना, हाँ ठीक है डन, इतने पे काम चल जाएगा। वैसे स्पेस आगे के लिए इतना सही रहेगा। हाँ अब पीछे चलते हैं, पीछे देखें अब कितना स्पेस हमें देखने के लिए मिल रहा है छोटी कार्स में, क्योंकि यही दिक्कत रहती है भाई। एक तो डबल में खुलते हैं सारे लॉक मारुति के, ये बड़ा है यार। बाकी इसकी ओपनिंग देख रहा हूँ, बिल्कुल 90 डिग्री पे है लगभग। आप स्पेस देखते हैं तो भाई ठीक है, स्पेस ठीक है, लेकिन भाई मेरा सिर लगा है यहाँ पे, क्योंकि इसमें स्पेस ये देख रहा हूँ, हाइट कितनी कम है गाड़ी की। और ये देख रहा हूँ अंडर थाई सपोर्ट कितना कम भाई, पूरा फ्री है इस, है ही नहीं बिल्कुल, ऐसा लग रहा है कहीं बेंच पे बैठ गए, बहुत कम है। मतलब ये देखिए आप, क्या ही है ये अंडर थाई सपोर्ट, बिल्कुल है ही नहीं, बिल्कुल भी, मतलब आपको कंफर्ट नहीं लगने वाला पीछे की सीट्स में। बस ये अच्छा, दोनों सीट हेडरेस्ट जो आपके एडजस्टेबल है 60-40 के रेशियो में सीट्स हैं, बाकी भाई बिल्कुल नहीं अच्छी, क्योंकि इसे आगे कर देंगे तो भी कुछ नहीं है भाई। और ये सीट्स भी मतलब नॉट सो कम्फर्टेबल, ठीक ठाक हैं बस। रियर में कोई एसी वेंट नहीं है। डोर में अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर बैज एंड ब्लैक के कॉम्बिनेशन में पावर विंडो के स्विच दे दिए, स्पीकर और बॉटल होल्डर, बस इतना आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है भाई। इसमें 1.2 लीटर का हमें इंजन देखने के लिए मिलता है, 4 सिलेंडर। आप ये देख लो, आजकल जो स्विफ्ट आ रही है उसमें 3 सिलेंडर आ रहा है, लेकिन इसमें हमें 4 सिलेंडर देखने के लिए मिल जाता है, जो कि हमें 82 bhp की पावर और 113 newton meter का टॉर्क निकाल कर दे देता है। भाई अगर बात करता हूँ इसमें हमें ग्राउंड क्लियरेंस कितना देखने के लिए मिलता है ना कार में, तो आप ये देखिए भाई, हुंडई की ऑरा आती है ना उसमें लगभग 170 आता है, इसमें 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर कंपनी आपको ऑफर कर देती है। भाई भाई अगर एवरेज की बात करें, ऑटोमेटिक में कार एवरेज कितना दे रही है, तो इसका जो कंपनी क्लेम करती है ना, वो लगभग 21-20.89 के समथिंग का एवरेज इसका कंपनी यहाँ पर क्लेम कर रही है। इसमें सेफ्टी फीचर्स की बात करूँ तो इसमें ब्रेकिंग में हमें ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, ESP और हिल होल्ड कंट्रोल देखने के लिए मिल जाता है। भाई भाई अगर मैं इसके प्राइस की बात करूँ, जो इसका एक शोरूम प्राइस है ना, वो है 7,41,000 रुपये। भाई अगर ऑन रोड की बात करूँ तो यूपी के बरेली सिटी में लगभग आपको 8.5 लाख रुपये के अराउंड में ऑन रोड पड़ जाती है, मतलब
बोल सकते हैं ठीक है यार 8-8.5 लाख रुपए में, लेकिन ये तभी है भाई ऑटोमेटिक ले रहे हो इसलिए महंगी भी है। मैनुअल लेके सीएनजी में अगर आ रहा हो आप और ऑप्शन देख रहे हो ना छोटी कार में तो बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन इसे भी आप कंसीडर कर सकते हो अगर आप ऑटोमेटिक में कोई ऑप्शन ढूंढ रहे हैं छोटी कार के तौर पर। चलिए तो जिस तरह से थी अपनी कार पसंद आई, वीडियो पसंद आई, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करते रहें। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।